भाजपा ने सब किया, बस रोजगार नहीं दिया। रोजगार कहाँ दिया बताइए? मेरी ये दिक्कत है जी मैम, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मैं नौकरी नहीं नहीं बेटा कर लिया, बेटा करने के बाद भी आज भी प्लेसमेंट के लिए हमें 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मंदिर अपने जगह है लेकिन हमें तो काम चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार तो मिल नहीं रहा है। बेरोजगार नहीं है सब, सबके लिए रोजगार है, करने वाले की कमी है। दिल्ली के अंदर में जो वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का जो ढोल पीटा जा रहा था, उस ढोल की पोल खुल गई है। राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे ये तो बात सही नहीं है। वहाँ की जो रेलवे लालू प्रसाद यादव जी थे तो रेलवे बनवाए अपने गांव के बगल से, वहाँ पे आज तक भी टिकट काटने वाला नहीं है। वहाँ पे पूरा कचरा कूड़ा होता सब उसमें रहता है। भाजपा इस बार भी जीत जाएगी लेकिन अगर इस बार नहीं तो युवा इतने आक्रोशित हैं तो अगली बार जीत नहीं पाएगी। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोगों के बीच में आ चुके हैं राय लेने के लिए, लेकिन अभी केजरीवाल का जो मुद्दा है, केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लग गया है। केजरीवाल को कहा गया है, बहुत सख्त रुख अपनाया है केजरीवाल को लेके हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी पे सवाल उठाना मतलब कोर्ट पे सवाल उठाना। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के माध्यम से पता चला है कि भजनपुरा और गोकुलपुरी के स्कूलों में स्कूलों की जो हालात हैं वो बद से बदतर है, तो इस पर भी सुनवाई हुई है। इस पर भी शिक्षा आयोग को फटकार लगाई गई है। अब जनता से पूछेंगे कि क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग को लेके या शिक्षा आयोग को लेके या फिर केजरीवाल को लेके, क्या कहेंगे केजरीवाल को लेके जो फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने और स्कूलों की जो हालत है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी को जो फटकार लगाई वो तथ्यों के आधार पर लगाई। दूसरा, दिल्ली के अंदर में जो वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का जो ढोल पीटा जा रहा था, उस ढोल की पोल खुल गई है। जैसा कि आपका भजनपुरा में हुआ और गोकुलपुरी में हुआ, तो क्या ये दिल्ली के अंदर नहीं आते हैं? क्या उस क्षेत्र के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी नहीं थे जो 6,000-7,000 बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी भी दिल्ली की में जो शासित है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसकी है। वो सरकार जो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का ढोल पीटती है हर चीज़ में, चाहे आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, और शराब व्यवस्था में तो उन्होंने पीएचडी कर ही लिया है, शराब की व्यवस्था में तो पीएचडी कर ही लिया है। तो आज के समय में आप देख रहे हैं कि कोर्ट को ये भी कहना पड़ा है, तिहाड़ जेल में जो बंदियों की संख्या, कैदियों की जो संख्या बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदार भी स्कूल है। तो इतना सारे स्कूल आते हैं, सारे स्कूल आते हैं। तो आप इतना बड़ा जो कमेंट है, अगर हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है तो ये भी आत्मचिंतन का विषय है किसी भी प्रदेश की सरकार की। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जो देश को सबसे ज़्यादा ISIPS देते हैं, तो अगर वहाँ की कहीं ना कहीं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली से ज़्यादा सुदृढ़ है, तभी तो वहाँ से ISIPS निकलते हैं। ये चीज़ एक पैमाना भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। तो, नहीं, ये तो गलत बात है। IPS IAS बनने के लिए लोग दिल्ली आते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ के तो कोई IAS IPS नहीं बन रहा। और जहाँ तक बात है, आप लगातार सुनते हुए कि ये कुछ अनाज लोगों को दोपहर में जो भोजन मिलते हैं उसमें घोटाले कर रहे हैं, हाँ मध्याह्न भोजन में घोटाले कर रहे हैं हेडमास्टर। चंडीगढ़ जाना पड़ता है पेपर देने के लिए, मिड डे मील चंडीगढ़ जाना पड़ता है पेपर देने के लिए पहले। क्या किस बात को लेकर? जो आप बोल रहे ना, पुलिस बनना है चाहे कुछ भी बनना है, नौकरी वोकरी पाना है, तो पहले कहाँ से हो? मैं यूपी बिहार दोनों जगह से हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक घर कैसी है स्कूल? स्कूल की हालात कैसी है? सरकारी स्कूलों बहुत बढ़िया है। नहीं, मैं दिल्ली के टक्कर की है, दिल्ली के टक्कर का। मैडम, मैंने अभी तक एक भी स्कूल में कंप्लेंट नहीं सुनी कि तुम हेडमास्टर। सुनिए, दिल्ली के गए हैं आपने, ये एक भी कंप्लेंट आप टक्कर की बात जो करते हैं, फीस महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, अभी तक सुनी नहीं मैंने। दिल्ली के अगर आप स्कूलों की बात करें और अदर प्रदेशों के स्कूलों की बात करें, तो दिल्ली के क्षेत्रफल पे भी बात कर लीजिए, दिल्ली की आबादी पे भी बात कर लीजिए, दिल्ली की भौतिक सुविधाओं पे भी बात कर लीजिए। दिल्ली में जो सरकार आई थी वो पॉल्यूशन के नाम पर आई थी। मुद्दा ये था ना कि हम दिल्ली को स्वच्छ हवा देंगे। जब तक सरकार नहीं थी
तब तक हरियाणा और पंजाब से पराली की शिकायतें होती थी, अब तो पंजाब में भी पराली क्या नाम सरकार है फिर भी पराली जलती है। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल अभी मई अप्रैल का महीना चल रहा है मगर पॉल्यूशन लेवल तो कम नहीं है, तो उस चीज़ को अदर स्टेटों से कंपैरिजन ना किया जाए अच्छा है, क्योंकि उसका एक रीज़न है दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का घनत्व वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दिल्ली देश की राजधानी है, अगर वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए चिंतन का विषय है। हमारे साथ मौजूद है युवा, देश के वो युवा जिसको कहा जाता है वो रीढ़ की हड्डी हैं, तो इनसे जरा पूछें कि भाई दिक्कत क्या हो रहा है, सीधे उठ के भी यूपी बिहार से यहाँ आ गए हो। मैम समस्या ये है कि वहाँ पे तो एक एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है बिहार में, और सेकेंड बात यह है कि मैं एज ए फार्मासिस्ट हूँ, तो वहाँ पे 1992 में एक फार्मासिस्ट का वैकेंसी ऐसा शायद तो 2014 में बहाली हुआ था 2014 में, अब सोचिए, और अभी आया 2023 में 5 मई में आया था जो है उस पर हो गया केस, अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अब पता नहीं कब फार्मासिस्ट का बहाली होगा। अब इसमें जितने युवा जो फार्मासिस्ट का जो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो भी है, अब कितना दिन तक रुकेंगे, वो तो पहले वाला था तो हो गया, ये तो नया सिस्टम आया है मोदी जी का जो है। नहीं तुम 92 के तो नहीं हो? नहीं 92 का नहीं है, मैं अभी का समझ आ रहा है, जब का है तब का, जब से देख रहे इतना युवा जो पढ़ रहा है वो कहाँ जाएगा, कम से कम सरकार को हेल्थ मिनिस्टर को इतना ध्यान देना चाहिए बिहार के ऊपर, लेकिन कहने के लिए बात सही है लेकिन रियलिटी देखा जाए जमीनी पे तो कुछ नहीं है। बिहार और कौन सब कहाँ कहाँ के हो? बिहार से, दिल्ली से हूँ मैं तो। दिल्ली से हो? यस, मैं अयोध्या से हूँ। नोएडा, गोपालगंज, सब यूपी बिहार दिल्ली के सब आए हुए हैं। तो भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है? मेरी ये दिक्कत है जी मैडम, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है दिल्ली में, नौकरी नहीं। नहीं नहीं, बीटेक कर लिया है, बीटेक करने के बाद भी आज भी प्लेसमेंट के लिए हमें 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। आपकी क्या दिक्कत? वैसे बताइए। मेरी दिक्कत बस यही है कि बिहार में कुछ विकास क्यों नहीं हो रहा है, इतना दिन से भाजपा की सरकार थी, 2005-06 से ही NDA की सरकार थी, तो फिर भी कुछ हुआ क्यों नहीं है, हम लोग क्यों बाहर भटक रहे हैं, क्यों बाहर इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, ना जॉब की मानमारी, हम लोग बीटेक सब पास आउट, बीटेक पास आउट बनते हैं। मोदी जी आए थे 4 एम्स बोले थे बनवाने के लिए पूरे भारत में, सब जगह बन गया लेकिन बिहार में दरभंगा वाला अभी तक बना ही नहीं है आज तक। अब बताइए आज तक पटना मेट्रो का काम चला? मोदी जी से है या मुझे मोदी जी से दिक्कत नहीं है, उनकी बातों से है, उनकी बातों से है। ऐसा क्या एक दो बात बोला है तो तकलीफ हुई है? अब बहुत सारी बात है, वो वादे कर लेते हैं कि ये करना है वो करना है दिस करना डेट करना, लेकिन जमीनी हकीकत है बिहार के लिए कोई नहीं है, बिहार के लिए तो बिहार दिन प्रतिदिन पीछे जाते रहा है। यूपी में तो बहुत विकास हो गया लेकिन बिहार में नहीं हो रहा। योगी जी चाहिए यूपी में, बिहार आजा, बस योगी जी आजा, योगी जी आजा का मैं उनका। अच्छा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगर एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अच्छा काम। देखिए एक्चुअल में मैं तेजस्वी यादव के गांव से हूं प्रॉपर, ठीक, वहां का हालात एक बार जाइए इंटरव्यू लीजिए गांव का, उसके बाद एक बार आइएगा हमसे सवाल का जवाब। क्या बोल, क्या आप बताइए? वहां की रोड जो है एकदम इतना गड्ढा है, वहां की जो रेलवे लालू प्रसाद यादव जी थे तो रेलवे बनवाए अपने गांव के बगल से, वहां पे आज तक भी टिकट काटने वाला नहीं है, वहां पे पूरा कचरा कुत्ता होता सब उसमें रहता है, आप जाके एक बार देख लीजिए उनके फुलवरिया गांव है तो... वहां कुछ नहीं हुआ विकास, गांव का जो नहीं कर सकता है उनकी वाइफ है जो क्या नाम है उनका, रावड़ी देवी सिलार उनका घर है, वहां का भी हालत एक बार जाके देख लीजिए। अभी NDA की सरकार है तो लग रहा है कुछ बदलाव होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है अभी होगा। 2005 से ही है, क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बोला कि हम लोग को पूरा सीट दो, हम लोग 40 में से 40 सीट दिए, 2014 में हम लोग 39 सीट दिए, क्या हुआ, हर जगह वही जीत रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, हम लोग दर बदर भटक। राम मंदिर बना दिया तो आप इसे धर्म भी तो, राम मंदिर धार्मिक मामला है, इसको पॉलिटिकल गतिविधि नहीं बनवाना चाहिए, अब राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे ये तो बात सही नहीं है, राम मंदिर पहले भी तो 1951 में भी तो वहाँ सोमनाथ मंदिर बना था, तो उससे क्या हुआ, तो मंदिर अपने जगह है लेकिन हमें तो काम चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार तो मिल नहीं रहा है, पास आउट कर रहे हैं बंदे, रिसेशन चल रहा है, कहीं कुछ नहीं, 10,000-15,000 की जॉब मिल रही है बस। अभी जो आपने बोला कि फार्मासिस्ट की जो आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो फिर वो अटक गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, तो अब क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, रुकी हुई है मामले पूरे? अब तो पहले 1992 में आया था, 14 में बहाली हुआ, तब पता नहीं कब आए, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा सबको रहता है, फार्मासिस्ट का कहीं रजिस्ट्रार ही नहीं है, फार्मासिस्ट का तो रजिस्ट्रार को पता नहीं है कहाँ है रजिस्ट्रार, वहाँ 2019 से कोविड के बाद से एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फार्मासिस्ट का वहाँ पे। विदेशों में डंका बज रहा है भारत का, कुछ नहीं बज रहा है, ये तो अगर आप रियलिटी अगर जमीन पे देखें तो कुछ नहीं है, है लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन बिहार वालों को खास के लिए मैं ये कहूँगा कि कम से कम वहाँ की जो किसी भी नेता को अगर वोट करें तो एक बार सोच समझ ले किसे हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अच्छा मतलब कौन होगा बिहार के लिए? मुझे तो नहीं लगा बिहार के लिए अभी तक कोई है अच्छा नेता।
अभी नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी आते हैं हम लोग ट्रस्ट खा जाते हैं कि भाई इनके वोट करेंगे, बाद में वो चेंज हो जाते हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नए नए जो चेहरे हैं, राहुल गांधी, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी पे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वोट देते हैं या नहीं? वोट दिया है? दिए हैं। मतलब किसको दिए हैं ये तो नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर वोट देने की बात, बीजेपी को दिया था, बीजेपी को, जेडीयू को दिया था, जो एनडीए की जो सरकार थी उनसे भी दिलवाया था कि भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी। 12 साल उम्र था फिर भी पूरे घर वालों से दिखा, मेरे फादर दिए, मदर जाके बीजेपी को दे दिए, फादर ने नहीं दिया वोट। वोट देंगे हम लोग इस बार भी, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। बिहार के लिए अगर कुछ होगा, बिहार के लिए अगर कुछ हो तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, बात खत्म। नीतीश कुमार का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो जाके मिल गया, फिर उसी से जाके मोदी से ही। नीतीश तो नीतीश पलटू नाम है पूरा उसके, कभी पलट सकते हैं, किसी को पता नहीं है। इसे तो बढ़िया लुगाओ की पलटू, ज्यादा से बढ़िया तो लुगाई है। नीतीश कुमार का लुगाई से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, लुगाई ऐसे ही करती है क्या? उसे तो वही तो बोल रहा हूँ, उससे तो बढ़िया लुगाई है, एक बार मायके जाती है तो चलो बढ़िया है, वो तो इधर तो जाते रहते आते जाते रहते नहीं पे इतना बड़ा कमेंट करना, इधर उधर इधर होता है ना, इस पे विवाद हो जाएगा, इस पे होने दो भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है आप अच्छा कोई नहीं, लेकिन देश की बुरी हालात है ना, खुद बताइए। देखिए डिक्टेटरशिप चल रही नहीं चल रही हमारी, नहीं पता। दिल्ली में देखिए आप, केजरीवाल जी को अंदर कर दिया है, ठीक है, अब आप उनको देखिए जो उनके साथ थे वो भी अंदर हो चुके हैं, और मामला क्या निकल के आ रहा है कि शराब घोटाला है। अब जो बंदे उनके साथ सपोर्ट में, तो उनके लिए तो कोई भी चीज, उनके ऊपर कुछ भी धारा लग रही है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है मैडम केजरीवाल को, कहा है कि सही है जो आरोप लग रहे हैं, जो ईडी ने आरोप लगाया, कोई हो ही ना तो मैम क्या कैसे होगा, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया ना। विपक्ष में कोई तो रहना चाहिए, जब चुनाव आता है तभी अपना, आपके लिए जब इलेक्टोरल बोर्ड निकाला तो आपके लिए वो सही होगा, लेकिन दूसरे पार्टी लिए तो गलत है, कहाँ से ये कहाँ का इंसाफ है, सबके लिए होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर नियम कानून है, मोदी को वोट दिया और कह रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो फिर ऐसा क्या कर दिया मोदी ने, इतना गंदा विश्वास। जब चुनाव के लिए विपक्षी नहीं होगा तो वोट किसको दोगे आप कॉम्पिटिशन के लिए? मैम सबसे बड़ी बात है कि हमें बोला गया था कि आप लोग को रोजगार देंगे, रोजगार मिला कहाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम लोग 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, ग्रेजुएशन हो गया हमारा, इंजीनियरिंग हो गया, लेकिन रोजगार है कहाँ? युवाओं के लिए क्या हुआ? बस हुआ किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए, जो बड़े लोग हैं अमीर लोग उसके लिए। भारत का मतलब बस राजीव चौक तो है नहीं, हम लोग इधर भी आके देखिए कहाँ क्या हो रहा है। भारत का मतलब बस अमीर जगह दिल्ली मुंबई अहमदाबाद ही तो नहीं है, बिहार भी तो है कोई जगह, कलकत्ता भी, कलकत्ता को बर्बाद कर दिया गया, क्या है कलकत्ता में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। लालू यादव स्टेडियम पे स्टेडियम बनवा रहे हैं, बस बिहार की बात अगर आती है तो कहते हैं लालू यादव ने बर्बाद कर दिया। अरे उन्होंने बर्बाद किया, मान चलिए कि 2005 तक बर्बाद किया, लेकिन 2005 के बाद से जो एनडीए की सरकार थी क्या किया उन्होंने, क्या किया? जो सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे क्या कर रहे थे वो? अभी जो फिर से नीतीश कुमार बने हैं या बारम्बार बन रहे हैं क्या कर रहे हैं वो? हैं तो एनडीए के ही शासन से। एनडीए अगर एनडीए इतना ही खराब लग रहा है तो हटा ले अपना हाथ, फिर से होने दे चुनाव। अभी कुल मिला के युवाओं को कोई नजर आ रहा है कि कोई ऐसा नेता जो हमारे लिए, हमें बस रोजगार चाहिए, जो सरकार रोजगार देंगी उसी को वोट देंगे, लग रहा है कि वोट की चोट देंगे। मैम देखिए ये तो पक्का है कि भाजपा इस बार भी जीत जाएगी, लेकिन अगर इस बार नहीं तो युवा इतने आक्रोशित हैं तो अगली बार जीत नहीं पाए, इस बार तो जीत जाएगी। राहुल गांधी को लोग कहते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं, राहुल गांधी को लेके आप क्या सोचते हैं? मैम राहुल गांधी का मतलब ये है कि अगर वो अपना थोड़ा बोलने का तरीका सही कर ले और ये ध्यान दे कि वो क्या बोल रहे हैं तो वो भी एक बार जीतेंगे, क्योंकि अपना वो अपना पर्सनैलिटी मेंटेन करे कि भाई कहाँ क्या बोलना है, और अपना थोड़ा मीडिया एडवाइज़र को सही कर ले, बस यही है, क्योंकि सारा बयान उनका गलत नहीं रहता, उसमें कुछ एडिटिंग या उनका मीडिया एडवाइज़र का जो ये रहता थोड़ा बहुत उससे गड़बड़ हो रहा है बस। कुछ मीमर्स भी होते जो मीमर्स बना देते हैं वीडियोज़ वगैरह, आप राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते? मैं उनके बारे में कुछ आज तक सोचा ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोचा, जब सत्ता में आएंगे देखेंगे। मोदी जी के बारे में सोचते हैं? कभी कभार सोच लेते हैं, इसलिए सोच लेते हैं कि मोदी जब आए थे तो हम बेसिकली गांव से हैं, तो गांव से महिलाओं को 2000 रुपये महीने दे देते हैं, सिलेंडर दे देते हैं, तब इससे बढ़िया क्या कहेंगे हम? सिलेंडर तो महंगा ना, 13 रुपया था सिलेंडर, लेकिन घर घर तो कर दिए ना भाई, फ्री दे दिया, फिर तो मंत्री तो 2000 रुपया दे रहे हैं भाई, सिलेंडर भरवा लो, 400 में 900 मोदी, अब इसका मतलब मोदी सब खर्चा चला ले घर का? नहीं नहीं, जैसे महंगाई बेरोजगारी कह रहे, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई तो अपना सैलरी कम से कम देखना चाहिए ना, मुझे सैलरी कितना मिल रही है, महंगाई नहीं देखनी चाहिए। पहले जो 200 रुपए मजदूर काम करते थे 100 रुपए में, 800, 700, 800 रुपए आज तो बराबर है ना, पहले जितना कमाते थे 30 रुपया 37 रुपया था, पेट्रोल 100 रुपया है, तो अपना कम से कम महंगाई दिख रहा है, तो जितना बढ़ा है उतना तो फिर खर्चा भी हो रहा है, तो बात तो बराबर ही है ना।
तो कैसे अच्छा तो नहीं हुआ। हम महंगाई तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। लाए थे ना भाजपा को, मोदी को चेंज करने के लिए लाए थे। अच्छा आप बताइए, आप खुद बताइए कि जो जनधन योजना लाए थे उसका क्या हुआ, कहाँ गया जनधन योजना? लोग कहते हैं कि खुलवा रहे हैं जीरो इन्वेस्टमेंट। सब खुलवाए थे जनधन योजना, खास करके महिलाएं तो जरूर खुलवाए थे। क्या हुआ जनधन योजना? 15-15 लाख रुपए कहाँ गया? 15-15 लाख तो ये था कि भाई आएगा काला धन, तो 15 लाख आया तो काला धन गए थे, तो जांच में तो गए थे रामदेव बाबा ये वो फलना चिकना, तो बहुत आदमी बोले थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, जनधन योजना खुलवा लो। सबने खुलवाया जनधन योजना, हुआ तो कुछ नहीं। युवा इतने पीड़ित है, इससे कुछ असर पड़ेगा भाजपा? भाजपा ने सब किया, बस रोजगार नहीं दिया। रोजगार कहाँ दिया बताइए आप? वैकेंसी कहीं नहीं आ रही, रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही इतने दिन से। जो ये जो लड़के आर्मी में जाते थे उनके लिए 4 साल वाला वो ला दिया, अग्निवीर योजना ला दिया, उनसे क्या होगा? पहले हमारे गांव के लड़के दौड़ते थे, निकल जाते थे और अफसर बन जाते थे, अब कहाँ कोई अफसर बन रहा है? बस अमीर अफसर बन जाएंगे, ये तो नहीं होगा। गरीब को भी तो कुछ चाहिए। पेंशन भी बंद हो गया। हाँ पेंशन भी बंद हो गया है। तो कुल मिला के मतलब आप लोग भी बेरोजगार है और चाह रहे हैं कि मोदी जी कुछ करें? हाँ बिल्कुल करें, खास करके लिए बिहार के लिए। हम लोग करेंट पास आउट, मतलब हम लोग इसी बीच में पास आउट हुए हैं अभी जस्ट। बीटेक कर लिया है, कुछ नहीं मिला। तो अभी बीटेक को नहीं मिला, अभी परसों की खबर है कि IIT जो करके आ रहे उसको भी 6% को प्लेसमेंट नहीं मिला IIT बॉम्बे, जो कि एक नहीं प्लेसमेंट ले पा रहे हैं। तो फिर हम प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, लग रहा है मैम। और क्या होगा, डर लग रहा है कि कहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं। IIT के बच्चे को नहीं हो रहा तो आप लोग को लग रहा है कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होंगे कि सरकार बदलेगी या सरकार को कुछ? सरकार कोई भी आए, एजुकेशन सिस्टम पे बढ़िया बढ़िया नियम। कांग्रेस दावे कर रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम पे अच्छा करें, कहने के तो सब कहता है और करे तब ना। एक बार मौका देके देखते हैं। कांग्रेस तो मैडम मैं सीट ले आई वही बहुत है, इस बार 400 पार है। कुछ कहते हैं मोदी घर से बाहर है। मोदी क्यों घर से बाहर है? भाजपा क्यों घर से बाहर है? 365 देखो आपने क्या हाल हो रहा है वहाँ पे जम्मू में। वो तो जनता तय करेगी, क्या पिकलौते तय कर लेंगे हम। बेरोजगार युवा है उनके लिए क्या? बेरोजगार नहीं है कोई, बेरोजगार नहीं है, सब सबके लिए रोजगार है, करने वाले की कमी है। कहाँ है रोजगार भैया बताओ थोड़ा। रोजगार दे दो, बीटेक करके आ। रोजगार पढ़े लिखे लिए सारा रोजगार है, सब कुछ रोजगार है। डिग्री है पूरा सही है। मांगता है कि मेरे को जी 50,000 रुपये से सैलरी, ठीक है, लेकिन अगर 20 में अपना पेट भरेगा ना आगे मिलेगा उसको, आगे मिलेगा। अब शुरू से मांग रहा है 50,000 रुपये, कहाँ से मिल जाएगा? आपके पास तो बहुत ज्यादा है, आप तो पी भी रखे हैं इतना ज्यादा। उसको छोटो पीने को छोटो, पीते तो पीने के लिए कमाते हैं, डिबेट कर ही नहीं सकता है। ये सारे जो लोग हैं ना सारे एजुकेटेड हैं। हम लोग 40,000 रुपया महीना हम लोग पढ़ने में दिए हैं और 15,000 रुपया लेंगे, कैसे? हम लोग आज तक सिगरेट हाथ नहीं लगाए, पीने के बाद आप कुछ भी बोल रहे हैं। हम लोग को तो कहने 50,000 शुरुआत में मांगता हूँ। आखिरी बात आप भाजपा सरकार को क्या कहना चाहते हैं? भाजपा सरकार को सबसे पहले मैं बिहार के लिए कहूँगा कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी पे कम से कम ध्यान दिया जाए और बिहार में जो रजिस्ट्रार नहीं है रजिस्ट्रार जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। रोजगार पे ध्यान देना चाहिए ऑल इंडिया, बस रील बनाने से युवा का तो काम चलेगा नहीं। सोच यहाँ तक कि वो डिजिटल क्रिएटर को ये कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। भाई कभी कभी हम लोग जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे उस पर भी तो ध्यान दो, उसके लिए रोजगार निकालो। डिजिटल क्रिएटर को बस सम्मानित कर। आज तक के एक एंकर ने कहा है कि बहुत सारे युवाओं को कॉपी पेस्ट करने नहीं आता, फाइल ट्रांसफर करने नहीं आता, फोल्डर बनाने नहीं आता। मैम हमें तो सब आता है, हमें तो कोई काम दे, हमें तो ये सब 7-8 में आ रहा था। जो आज तक की जितनी भी एंकर है, दो एंकर तो बिहार झारखंड की है, मोकामा की एक श्वेता सिंह, तो जाके देखे तो जमीन लेवल मोकामा क्या। हम मोकामा से डेली गुजरते हैं, हमें को पता है कुछ नहीं है मोकामा में, सड़क तक नहीं है। बस आप एक निकल गई हो तो कम से कम भाजपा का सपोर्ट तो छोड़ दो। मैडम जी 1400 पहले एक बार भी विद्यार्थी बोलता था सर रोजगार दे दो नौकरी दे दो? नहीं बोलता था। नहीं, ये मोदी का सरकार में कांग्रेस का चाल है, सबका पार्टी का चार है। बच्चे सब कांग्रेसी हैं? हाँ हम समझते कांग्रेसी है, समझे तो वोट भाजपा को दे रहे हैं। भाजपा को दे रहे हैं ना, मगर ये बात जो हम बोल रहे हैं आपसे, 1400 पहले नौकरी का एक बार भी हमारा भी तो 7 साल उम्र हो गया है, हमारा भी तो 7 साल उम्र हो गया है, 1400 पहले वो होता था एक बार भी नौकरी का नाम? हमारे घर खुद सरकारी, हमारे घर खुद सरकारी में है, था नौकरी इसीलिए नहीं। घर में तो सब सरकारी में भाई, था नौकरी तब तो। हाँ कीजिए, बिहार का आदमी नहीं, बिहार का आदमी सारे कम्प्लीट करके आया, सबसे ज्यादा बिहार का आदमी हो जा रहा है भाई। 300 सीट है, मत आइए इसमें, पता नहीं है तो क्यों बोलते हो, मत 300 सीट है, 300 सीट, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं मुखर्जी नगर में, जाके देखो एक बार घूम के। बस सब ISPCS नहीं बन सकते के रहते हैं, जाके देखो एक बार, सारे बच्चे ISPCS नहीं बन सकते। नहीं भैया, जो कंप्लीट करेगा वो तो बनेगा,
सबसे बिहार में आईएएस बन रहा है, एसपी बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है। बताइए सीट 300 रहेगा, आवेदन भरने वाले 3 लाख रहेंगे तो कैसे बनेंगे? नहीं, सब? नहीं होगा ये बात, नहीं होगा ना, नहीं जिसके रैंक 400 क्या वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है क्या? आप जो ऐसे बोल रहे हैं कि 2014 से पहले कोई नौकरी के लिए नहीं बोलता था, इसका ये मतलब है कि युवा कांग्रेसी है या फिर पहले नौकरी थी, दोनों में से एक ही बात? मैडम जी पहले क्या हाथ में कटोरा था खाली हाथ, अब भरा हुआ है सब झूठ बोल रहे हैं। पहले खाली हाथ कटोरा था भरा हुआ, किसी हमारे हमारे हम लोग का कोई नौकरी का पद नहीं है परिवार में, पढ़े लिखे बीए तक है, पढ़े लिए आप नहीं बात कर रहे, मेरे घर में सब पढ़े लिखे इसलिए मैं बता रहा हूँ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।